कल के क्लास में हम लोग प्रश्नावली 6.5 के क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को सॉल्व किए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू करते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अगर इस पे दिखाई ना दे अपने किताब में देखेंगे। क्वेश्चन है, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। सीढ़ी आप लोग देखे हैं, अगर मान लीजिए ये आपका घर है तो सीढ़ी सीधा लगता है कि तिरछा लगता है? तिरछा लगता है ना, तो ये आपका सीढ़ी है, ये आपका क्या है? और कह रहा है कि 10 मीटर लंबी सीढ़ी है। सीढ़ी कितनी मीटर लंबी है? और भूमि 8 मीटर की ऊंचाई है। भूमि पर से जो छत की ऊंचाई है कितना है? तो पूछ रहा है कि दीवार के आधार से, ये दीवार का आधार है, सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी यहाँ से यहाँ तक निकाला। बताइए लंब दिया है, कर्ण दिया है, तो आधार नहीं निकाल लोगे? पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस, ऐसा सवाल आप लोगों ने त्रिकोणमिति में भी बनाया है, पाठ 9 में हाइट एंड डिस्टेंस वाले में, ठीक है ना। खैर चलिए बता देते हैं। ये आप देख सकते हो फिगर, दिख रहा है फिगर? एक है 8 मीटर और एक है नीचे, ओ भी निकालना है आपका। ए ओ है लंब, ओ भी है आधार और ए भी है कर्ण, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देखोगे लिखा है त्रिभुज ए ओ बी में, क्या लिखा है? पाइथागोरस, ए बी उसमें कर्ण है, ए बी क्या है? तो कर्ण का स्क्वायर, ओ ए लंब है, ओ ए का स्क्वायर और ये बी ओ क्या है? आधार का स्क्वायर। सूत्र होता है ना, तो ए बी का मान है 10, कर्ण कितना है, लंब कितना है, तो आधार निकालना है। तो उसी तरह 10 का स्क्वायर का अर्थ होता है 10 में 10 से गुणा, 10 दही है, 8 का अर्थ होता है 8 गुणे 8 टाइम 64। अब बताइए 64 प्लस में इधर आएगा तो 100 से 64 घटा देंगे तो कितना आएगा? 36 मीटर। डायरेक्ट हमें लिख दिया 36 मीटर स्क्वायर, समझ में आ जाएगा ना। और बताइए आप लोगों को पता है जब एक तरफ से स्क्वायर हटता है तो दूसरे तरफ, तो 36 का वर्गमूल, तो वो भी कितना आ गया? तो लिख देंगे अतः दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी कितनी है? कोई दिक्कत है? चलिए इसको उतार लीजिए। सबसे पहले फिगर उतार लेंगे और लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे अब 9 लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपरी सिरे से एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है तथा तार का दूसरा सिरा एक खूंटे से जुड़ा हुआ है। खंभे के आधार से खूंटे की कितनी दूरी पर गाड़ा जाए कि तार तना रहे, जबकि तार की लंबाई 24 मीटर है। अभी जो आप लोगों ने सवाल बनाया है ना, हूबहू वही सवाल। देखो करना क्या, सवाल को समझो। 18 मीटर ऊंचा एक खंभा है, ये खंभा है, ये क्या है? कितना ऊंचा है? कह रहा है इसके सिरे से एक तार बंधा हुआ है यहाँ पर, और तार को खींच कर ऐसे जमीन से, और इसकी लंबाई है 24 मीटर। तो पूछ रहा है बताओ ये कितना दूरी होगा? तो ये लंब है, ये कर्ण है, आधार नहीं निकाल लोगे? बन जाएगा जी, चलिए बना देते हैं। मतलब करेंगे क्या कि लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, क्या लिखेंगे? पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण आपका 24 है, कर्ण कितना है? लंब आपका कितना है? 18 है, कितना है जी? और आपको क्या निकालना है? आधार मान लीजिए बी सी स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर निकालेंगे 576, 18 का स्क्वायर 324, ये प्लस में इधर आएगा तो, और सब घटा चटा के बी सी का मान आपको बना लोगे ना, इसे बना करके लाइएगा। क्वेश्चन नंबर 11 को समझेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन है कि एक हवाई जहाज़ एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर
1000 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ता है। हवाई जहाज आप लोगों ने देखा है, हवाई जहाज उड़ता है, और एक हवाई जहाज है, एक हवाई जहाज है जो हवाई अड्डा से, हवाई अड्डा का अर्थ होता है जहाँ से हवाई जहाज उड़ता है, जहाँ से हवाई जहाज, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एयरपोर्ट, क्या कहते हैं, एयरपोर्ट, उत्तर की ओर, किस दिशा में, उत्तर की ओर चलता है 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। इसी समय एक अन्य हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर, किस दिशा में, 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ता है। जैसे कि मान लो ये है हवाई अड्डा, ये क्या है, एक ये उत्तर की ओर जा रहा है कितने स्पीड से, 1000 किलोमीटर से, एक को जा रहा है पश्चिम की ओर, कहाँ जा रहा है, पश्चिम की ओर, कितना, 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। कह रहा है कि 1/2 घंटे के बाद दोनों हवाई जहाजों के बीच की दूरी, 1/2 का अर्थ होता है ना, एक पूर्णांक 1/2, मतलब कि एक आधा, डेढ़ घंटा, मतलब डेढ़ घंटा में हवाई जहाज के बीच की दूरी क्या होगी, मतलब ये दूरी निकालना है, कर्ण निकालना है, क्या निकालना है, आपको लंब दिया है, आधार दिया है, तो क्या निकालना है, निकल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें कुछ अलग करना है, आइए बताते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे देखिएगा 1500 किलोमीटर से आप 1000 करोगे, क्या करोगे, आई से 1200 कर दोगे, ठीक है ना, ए बी हो गया आपका 1000 और बी सी कितना हो गया, 1200। ए सी निकालना है, क्या निकालना है, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ए बी का मान यहाँ पे आप लिख देना 1000, यहाँ पर 1200, 1000 का स्क्वायर निकालना, फिर किसका स्क्वायर, 1200 का स्क्वायर, तो गुणा कर दोगे तो इतना जो भी आएगा उसको जोड़ देना, जोड़ने के बाद स्क्वायर हटाओगे तो क्या लगेगा, और रूट लगने का वर्गमूल निकाल देना, जो भी आएगा दोनों हवाई जहाजों के बीच की बना लोगे। वैसे ये सवाल थोड़ा गलत है, क्योंकि अक्षर गलत नहीं है, मतलब इसमें अंक अलग रख दिया गया है, तो आप चाहो तो अंक को उतार सकते हो, इसी अंक के आधार पर आप लोग घर पर क्या करना है, इसको बना लेना, ठीक है ना, तो मन करे तो अंक उतार सकते हो, लेकिन ये सवाल से मिस्टेक है, 11 नंबर डाल करके, कितना नंबर डाला है, 11। क्वेश्चन नंबर 12 को समझेंगे, दो खंभे जिनकी ऊंचाइयाँ 6 मीटर और 11 मीटर है, दो गो खंभा है, मान लीजिए ये है 6 मीटर और ये है 11 मीटर, तथा ये समतल भूमि पर खड़े, मतलब नीचे वाला सिरा इन दोनों का क्या है, बराबर है, यदि इनके पाद बिंदुओं के बीच की दूरी 12 मीटर, पाद बिंदु मतलब है नीचे वाला बिंदु, त्रिकोणमिति में पढ़े हैं ना, ये 12 मीटर है, तो ये 12 है तो ये भी कितना होगा, 12 होगा ना, तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी तो बताना है कर्ण, क्या बताना है, कर्ण, देखिए अगर ये 12 है तो ये भी कितना होगा, 12, आपको ये कितना दिया है, तो ये भी कितना होगा, आइए ऊपर से नीचे लेकर कितना है, 11 है, तो ये कितना होगा, 5 होगा, तभी ना यहाँ से लेकर यहाँ तक 11 है, उसमें से इतना निकाल दो 6, तो क्या बचेगा, तो लंब हो गया 5, आधार कितना हो गया, तो क्या निकालना है, नहीं निकल जाएगा, फिर भी बनाने का तरीका सीख लो, यहाँ पे देख लेंगे 11 नंबर नहीं है, 12 नंबर है, ये आपका हो गया 6 मीटर पहला खंभा और ये हो गया दूसरा 11 मीटर, नीचे 12 मीटर तो ऊपर भी कितना होगा, ये टोटल 11 है, टोटल तो नीचे 6 है तो ऊपर कितना होगा, तो आधार है 12, लंब है 5, तो क्या निकालना है, कर्ण, ठीक है ना, वही बात हमने लिख दिया यहाँ पे कि डी सी बराबर ई बी 12 मीटर, ए सी कितना है, ए बी निकालने के लिए 11 में से 6 क्या करेंगे, 5 मीटर, क्या निकालना है आपको, तो पाइथागोरस प्रमेय में आएंगे तो ये कर्ण है, ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ई बी चाहे बी, ई बी चाहे, इजी सवाल नहीं है ये, ए निकालना है, ई बी का मान कितना है, ए बी का मान 12 का स्क्वायर का अर्थ हुआ 12 में 12 से 100, आप 50
144 और 25 जोड़ेंगे 169 स्क्वायर हटाएंगे तो 169 का वर्गमूल 13 मीटर। समझ रहे हो ना? अतः ऊपरी सिरों के बीच की दूरी, चलिए इसको उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 डालिएगा जरूर। और आज के लिए अंतिम क्वेश्चन है ये 13 नंबर, थोड़ा सा टफ है बट ध्यान दीजिएगा तो हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है एक त्रिभुज एबीसी जिसका कोण सी समकोण है। सी क्या है? ऐसा एक त्रिभुज है ए बी और इसका सी जो है क्या है, यहाँ पर 90 डिग्री है। भुजाओं सी ए, भुजाओं सी से ए और सी बी मतलब लंब और आधार, लंब और पर बिंदु डी और ई है। एक ऊपर बिंदु डी है और एक ऊपर बिंदु है। सिद्ध कीजिए कि ए स्क्वायर ए प्लस बी डी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस, चलिए इसको प्रूफ करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो एक त्रिभुज है ए बी, देख रहे हो ना, सी इसमें 90 डिग्री है। सी कितना है? मतलब समकोण है। एक बिंदु है डी और एक बिंदु है, देखिए कैसे मिलाना है, देख रहे हो। हाँ, जब फिगर नहीं देता तो क्या लिखते हैं उसके लिए? सर्वप्रथम ए बी सी एक समकोण त्रिभुज जिसमें सी समकोण है। ए सी भुजा पर डी बिंदु तथा बी सी भुजा पर ई बिंदु रेखा ए से ई को तथा डी से ई को तथा बी से मिलाया। देख लीजिए फिगर में, ए बी सी समकोण है और जिसमें सी क्या है, ए सी भुजा पर, ये ए सी देख रहे हो, ए सी पर कौन बिंदु है, डी, और बी सी पर कौन है, ई e है ना। ए से ई को मिला, ए से ए को और फिर डी से ई को और डी से बी को, डी से क्या सिद्ध करना है, ए स्क्वायर प्लस बराबर ए बी स्क्वायर प्लस, ये प्रूफ करना है ना। तो सबसे पहले लिखेंगे परमाणु में त्रिभुज ए सी ई में कोण सी कितना है, तो पाइथागोरस ए सी ई, देखिए ए सी ई, ये त्रिभुज देख रहे हो आप लोग, बताइए इसमें कर्ण कौन होगा, ए ई होगा, लंब क्या होगा और आधार, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर नहीं लिखेंगे, तो वही ए स्क्वायर प्लस बराबर ए सी स्क्वायर प्लस समीकरण। अब त्रिभुज बी डी सी कितना डिग्री, अब आइए बी डी बताइए सबसे बड़ी भुजा बी डी है ना, कर्ण ये लंब और ये लिख देंगे। लिखने के बाद इसको समीकरण, समीकरण एक और दो को जोड़ेंगे, समीकरण एक और दो को, तो समीकरण एक का बायां पक्ष का बायां पक्ष, बायां पक्ष इसमें क्या है और इसमें क्या है, दोनों को जोड़ दिए हैं। अब दो को इसमें है, दो को तो कैग होगा, चार होगा ना, ये तो जैसे वैसे उतार दिए, ए सी स्क्वायर की जगह लिख दिए ये बी सी स्क्वायर और सी स्क्वायर की जगह, अब क्यों लिखा गया तो समझिए फिगर में, ए सी प्लस बी सी, ए सी प्लस देखिए किसके बराबर होगा, ए सी प्लस बी सी है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर किसके बराबर होता है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है, तो क्या इन दोनों के स्क्वायर की जगह ए बी स्क्वायर लिख सकते हैं, क्यों, हाँ इन दोनों के जगह हम क्या लिख देंगे, क्या लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद सी ई स्क्वायर और सी डी
तो आइए सी और सी डी देखा जाए। सी ई सी तो ये है लंब और ये है आधार, तो कर्ण क्या होगा? तो उसके जगह डी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इस तरह हमारा सवाल प्रूफ हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस ये नहीं रहेगा, समझ गए? यहाँ पे आपको होगा डी स्क्वायर, क्या होगा? हाँ, तो चलिए इसको उतार लीजिए। सबसे पहले फिगर बनाएंगे, यहाँ पे थोड़ा सा सुधार कर लेंगे, ध्यान से देख लीजिए, ए सी स्क्वायर ये नहीं रहेगा, डी स्क्वायर होगा, क्या होगा? हाँ, प्लस के बाद डी स्क्वायर। और बचे हुए कल सवाल पढ़ेंगे और इस चैप्टर को समाप्त करेंगे।